हेलो ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर ऑफ कंपनीज एक्ट, व्हिच इज चैप्टर 14 एंड टॉक्स अबाउट इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। और इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, सो इट हैपन्स एग्जैक्टली इन द ऑर्डर और इन द सीक्वेंस इट इज गिवन और इट इज रिटन एज अ हेडिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहले इंस्पेक्शन, फिर इंक्वायरी, फिर इन्वेस्टिगेशन। बस ये तीनों टर्म्स है इस पूरे चैप्टर में। इट इज एन अंडररेटेड चैप्टर आप बोल सकते हो, बट रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज जो आपका पास्ट का ट्रेंड रहा है वो ये है कि हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन तो आपसे इस चैप्टर में पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी, एंड इट इज नॉट एट ऑल टेक्निकल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है। बट बिफोर दैट, ये तीन टर्म्स इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन, इस पे जरा थोड़ा सा ध्यान देते हैं। नाउ लेट्स टेक अ कॉमन एग्जाम्पल, या फिर कोई एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल अगर लेके समझे कि इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। मान लीजिए किसी का खून हुआ, ठीक है, एक क्राइम सीन है। तो क्राइम सीन पे क्या होता है, पहले जो लोग आते हैं या द पुलिस कम्स, राइट, एंड पुलिस क्या करती है वहां पे, इंस्पेक्ट करती है, इंस्पेक्ट द साइट, राइट, इंस्पेक्ट करती है, साइट को देखती है, जो भी प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं वो करते हैं, राइट right? उसके बाद वो लोगों से पूछताछ करते हैं, दे इंक्वायर इनटू कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, एवरीथिंग एल्स, राइट। उसके बाद इफ नीडेड दे इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल सीआईडी और सावधान इंडिया केसेस, ठीक है, कि वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल केसेस। मान लीजिए आपको किसी ने एक दिन फोन किया, ठीक है, आपको अचानक से एक दिन कॉल आया और आपको बोला गया कि भाई तू जिसके साथ आजकल डेट कर रहा है ना, ही और शी इज आई थिंक डबल क्रॉसिंग यू और चीटिंग ऑन यू। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट इफ यू वॉन्ट टू नो, आप यहां पे इतने बजे पहुंच जाओ। व्हाट यू डू इज, पहले आप इंस्पेक्ट करोगे, राइट, इंस्पेक्ट करोगे, जाओगे थोड़ा सा देखोगे। अच्छा, अगर आपको ऑन द स्पॉट चीज मिल गई, वॉट एवर यू आर थिंकिंग ऑफ, कि आपको समझ में आ गया कि नहीं यार मेरे को वो फेक कॉल आया था, इधर दैट वॉज नॉन सेंस और दिस इज नॉन सेंस, राइट, दोनों में से एक चीज मेरे लिए हार्मफुल है, राइट, इधर दैट कॉल और दिस रिलेशनशिप, राइट। तो आपको दोनों में से कोई भी अगर एक चीज समझ आ गई तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपको बढ़ने की आगे जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सस्पेक्ट हुआ, वहां पे कुछ डाउट हुआ कि नो आई नीड टू लुक इनटू दिस मैटर, यू मे आस्क फ्यू पीपल अराउंड, यू मे इंक्वायर, राइट। इफ यू नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, देन व्हाट यू डू इज यू माइट इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर, राइट। इन्वेस्टिगेशन आप खुद से भी कर सकते हो, फॉलो करके, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और आप किसी एजेंसी से भी करवा सकते हो, ठीक है। मैं किसी भी तरीके से आपको नहीं, गलत शिक्षा नहीं दे रही हूं टू डाउट एंड टू फॉर रिलेशनशिप्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये सिर्फ एक फिक्शन है ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी ये चीजें सेट हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारा हायरार्की या हमारा प्रोसेस क्या है, फर्स्ट वी इंस्पेक्ट, देन वी इंक्वायर एंड देन वी इन्वेस्टिगेट। आई होप इन तीनों का आपको मतलब समझ में आ रहा है, बिकॉज कहीं पे भी आपको इसको डिफाइन करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, बट यू शुड नो व्हाट यू मीन बाय इंस्पेक्शन, व्हाट यू मीन बाय इंक्वायरी एंड व्हाट यू मीन बाय इन्वेस्टिगेशन। अब यही चीज अगर हम किसी कंपनी के रिलेशन में बात करें, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट, राइट, कंपनीज के रिस्पेक्ट में अगर बात करो आप कि इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्ट करना मतलब क्या होगा, किसका इंस्पेक्शन, पहले तो हम बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट इंस्पेक्शन ऑफ से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, अपने बुक्स बनाए, आपको कंपनीज एक्ट में बोला गया रजिस्टर यहां पे मेंटेन करो, रजिस्टर यहां पे मेंटेन करो, ये फॉर्म फाइल करो, आरओसी को ये फाइल करो, वो फाइल करो। आरओसी के पास आए दुनिया भर के फॉर्म्स,
कहीं फॉर्म MR1, कहीं MGD14, इतने फॉर्म्स, राइट? उन सारे फॉर्म्स को आपको लगता क्या है आरओसी क्या करता होगा? क्या करता होगा आरओसी उन सारे फॉर्म्स को रिसीव करके? ऐसे ही रैक्स में फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल. नाउ सिंस इट इज एवरीथिंग ऑनलाइन, यू डोंट नीड दैट पेपर फॉर्म्स, पर फिर भी वो रिकॉर्ड का करेगा क्या? व्हाई डज इट कॉल फॉर रिकॉर्ड्स? टू एंश्योर कि एवरीथिंग इज हैपनिंग इन ऑर्डर, राइट? अब अगर हमको डर ना हो, मान लीजिए वी आर फाइलिंग आर इनकम टैक्स रिटर्न, और अगर हमको डर ही नहीं है, तो अगर मेरी 50 लाख की इनकम है, मैं क्या करूंगी? 10 लाख दिखा के छोड़ दूंगी. ठीक है, मैंने क्या किया? 10 लाख दिखा के छोड़ दिया. या मान लीजिए मेरी 10 लाख की इनकम है, मैंने 2 लाख दिखा के छोड़ दिया. मैंने कहा कौन देखता है, बस एक फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है, दैट आई हैव टू फाइल एनीथिंग इन, राइट? कौन देखता है उसको? पर हम लोगों के मन में क्या होता है? एक डर होता है कि देयर इज समवन, देयर इज दैट सीपीसी, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, हु प्रोसेसेस ऑल द रिटर्न्स प्राइमा फेसी, एंड देन इट कैन बी फॉरवर्डेड टू एनी AO, इट कैन बी इंक्वायर्ड, इट कैन बी स्क्रूटिनाइज्ड, राइट? हमारे मन में क्या है? डर है. वैसे ही हम जितने भी इंफॉर्मेशन फर्निश करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, दे लुक इनटू दैट इंफॉर्मेशन. सो वी कैन नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन ही फर्निश करनी होती है. यू हैव रिस्पेक्टिव पेनाल्टीज इन ऑल द सेक्शंस, कि आपने इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपके ऊपर ये पेनाल्टी, आपने ये नहीं किया, आपके ऊपर ये पेनाल्टी, एवरीथिंग. अब बात है हमारी नहीं, मतलब कंपनी के एंड की अब बात ही नहीं है, अब किसके एंड की बात हो रही है? हमने तो इन्फॉर्मेशन दे दी. मान लीजिए आरओसी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंची और आरओसी को लगा ये क्या बोल रहे हैं, इस फॉर्म में ये भरा है, इस फॉर्म में ये भरा है. इफ वी कंपेयर दीज टू फॉर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, द इन्फॉर्मेशन इज कॉन्ट्रोडिक्टरी एंड इट इज सस्पिशियस ऑफ समथिंग हैपनिंग इन द कंपनी, लगा आरओसी को. तो आरओसी क्या करेगी? आरओसी आपसे और इन्फॉर्मेशन मांगेगी, है ना? यही करेगी ना आरओसी. आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा, मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपके कुछ फोन में पकड़ लिया, तो क्या करेंगे? आपसे और इन्फॉर्मेशन लेंगे. अगर वो सैटिस्फाई हो जाएंगे, अच्छा दैट वाज द रीजन, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, यू कैन गो अहेड. बट अगर वो सैटिस्फाई नहीं हुए तो क्या करेंगे? तो उसके बाद हाँ, फेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स, सारे के सारे हो सकते हैं. फेयरली वो आपसे सामने सामने बोल सकते हैं कि ओपन योर इंस्टा, ओपन योर व्हाट्सएप, ओपन योर FB, ये देखो वो देखो, जो भी दे वॉन्ट टू फाइंड आउट और दे वॉन्ट टू इंक्वायर, कि आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई भी चीज से रिलेटेड हो सकता है. सपोज दे एंटर्ड इनटू योर रूम और उनको आपको आपको दिखा कि आप पढ़ाई ऐसे बुक खोल के ना पीछे कोई मैगजीन रख के कुछ और पढ़ रहे हो. Anything it can happen, right? तो वो क्या कर सकते हैं? Fair means, unfair means, दोनों तरीके से inquire कर सकते हैं. They can investigate into the matter. Maybe जब आपसे गलती से phone छूट गया घर पे, तो they can browse in your phone. आप वो check कर सकते हैं कि क्या क्या और चीजें हैं, ठीक है, किससे किससे बात करता है, पढ़ाई करता है कि नहीं करता है, etc. etc. तो माय पॉइंट इज कि सबसे पहले जब भी सस्पेशन होता है, वो किसी भी फॉर्म का सस्पेशन हो, हमारा डेली लाइफ का कोई सस्पेशन हो, हम किसी को सस्पेक्ट करें, या फिर जो आरओसी है, दैट इज द अथॉरिटी है, वो किसी कंपनी को सस्पेक्ट करे कि ये कंपनी जो है ये ठीक से काम नहीं कर रही है, वट एवर इन्फॉर्मेशन इट इज गिविंग, इधर इट इज फेक या फिर ये अनट्रू इन्फॉर्मेशन हमको दे रहे हैं, इट इज नॉट वर्किंग इन द ऑर्डर इट शुड और इन द मैनर इट शुड बी वर्किंग. तो वो क्या करेंगे? फर्दर किस ऑर्डर में? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन. अब देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर में इतने सेक्शंस है ना रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, कि हम एट द एंड कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, एट द एंड हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सेक्शन किसको रिलेट करता है और कहां पे इंस्पेक्शन है, कहां पे इंक्वायरी है, कहां पे इन्वेस्टिगेशन है. सो वेन एवर वी आर रीडिंग द सेक्शन, प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑफ एनालाइजिंग दीज वर्ड्स, वेयर यू आर यूजिंग द वर्ड इंस्पेक्शन. आपको ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स लगते होंगे मे बी इन द डेली लाइफ, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, सेम थिंग, राइट? बट इट इज नॉट द सेम थिंग एंड इट शुड नॉट बी द सेम थिंग इन कंपनीज एट स्पेशली, बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव बीन असाइंड डिफरेंट पावर्स. ठीक है, तो हमें हर एक चीज पढ़नी है रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन.
इंस्पेक्शन और इंक्वायरी का सेक्शन है 206 एंड 207, 206 एंड 207। अब इसी में बीच में क्या होता है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी करते करते आपको और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या मे बी यू कैन सीज सर्टेन इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो उसके अलग सेक्शन है। इसकी आप रिपोर्ट तैयार करते हो, यू प्रिपेयर अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208, ठीक है, तो उसका अलग सेक्शन है। इफ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डू इट ऑन एप्लीकेशन मेड बाय ट्रिब्यूनल, नॉट ऑन एप्लीकेशन मेड बाय ट्रिब्यूनल, बट अगर ट्रिब्यूनल या एक्चुअली ट्रिब्यूनल ओनली, अगर ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है कि इन्वेस्टिगेशन होना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और भी अदर केसेस में इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करती है, जैसे इट कैन बी अ केस ऑफ फ्रॉड, इट कैन बी इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनी, इट कैन बी रिलेटेड टू ओनरशिप और इन सिचुएशंस में रिलेटेड पार्टी के रिस्पेक्ट में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। सो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस फॉर ऑल दीज केसेस। अभी अगर मैं आपको ये सारे सेक्शंस बताती जाऊंगी ना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्यों आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा? क्योंकि अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है, राइट? बट वंस यू रीड ऑल दीज सेक्शंस, जब आप ये सारे सेक्शंस पढ़ लेंगे उसके बाद अगेन वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर चार्ट, जिसमें मैं पूरा आपको बताऊंगी हाउ दिस चैप्टर हैज फंक्शनड और हाउ दिस चैप्टर हैज वर्क्ड फॉर अस, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, अच्छा ये चीज हमने पढ़ी थी, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट एन ओवरव्यू कि कैसे चीजें हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे एंड विल फिट इन टू दिस चार्ट, ठीक है, कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, वॉट इज द सीक्वेंस, हाउ इट शुड फ्लो, वॉट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला सेक्शन, हमारा सबसे पहला सेक्शन विच इज सेक्शन 206। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हाँ, मैं ये चार्ट आपको बनवाऊंगी एट द एंड ऑफ द चैप्टर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। देखिए, जो भी आपका जो मटेरियल है उसके आप सिर्फ अगर कलर्ड पार्ट को पढ़ रहे हो तो यू विल बी एबल टू ट्रेस ऑल दैट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, राइट, ठीक है, तो आप उसको रीड कर सकते हैं फॉर रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ सेक्शन। एक बार मैं सेक्शन का आपको ओवरव्यू देती हूं एंड उसके बाद वर्ड बाय वर्ड आई विल एनालाइज दिस सेक्शन अलॉन्ग विद यू। जैसे मैं आपको बता रही थी कि व्हाट वी डू, द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी फाइल द डॉक्यूमेंट्स, हम डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन या फॉर्म्स जो भी फाइल करते हैं, वी फाइल इट विद आरओसी, राइट, आरओसी के साथ हम ये फाइल करते हैं। ये हमें पता है, इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस हमने पढ़ा है कि यहां ये फाइल करना है, वहां वो फाइल करना है। अब रजिस्ट्रार या आरओसी के पास जब ये पहुंचा तो आरओसी क्या करेगी, इतना आज से समझ लो, आरओसी उसको रैक में सजा के नहीं रखती है, ठीक है। आरओसी कैन व्यू एनी ऑफ योर फॉर्म और इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव फाइल, ठीक है, उसको व्यू कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसकी स्क्रूटनी की। अब स्क्रूटनी करने के बाद दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो आरओसी वो सैटिस्फाइड, अरे देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, शिवांगी प्राइवेट लिमिटेड सच अ परफेक्ट कंपनी, कभी कोई डिफॉल्ट होती ही नहीं है, फॉर्म्स और फाइल्स क्या है, सारे के सारे एकदम परफेक्ट है, तो देयर सैटिस्फाइड। अब आई कोई पप्पू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब क्या हो गया आरओसी के, तो हाँ एग्जैक्टली अब उस सिचुएशन में जब उन्होंने स्क्रूटिनाइज किया फॉर्म्स को तो दे वर नॉट सैटिस्फाइड एट ऑल। अब वो सैटिस्फाइड ही नहीं हुए कि ये क्या इन्फॉर्मेशन आपने दी है, तो उनको लगा कि आई वॉन्ट फर्दर इन्फॉर्मेशन, मुझे इसका डिटेल दो, ये आपने कैसे डिराइव किया या ये कैसे आया, एनीथिंग,
It depends upon the information or the form that we're talking about कि I can elaborate that thing. ठीक है, तो आप समझ रहे हो? अब when you, they were not satisfied, when ROC was not satisfied, it needed further information, wants more information. अब इनको और information चाहिए, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक written notice दी. कभी आपने सुना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कॉल आया हो और आपको बोला गया हो कि आपका जो रिफंड है दैट कुड नॉट बी प्रोसेस्ड बिकॉज यू हैव नॉट प्री वैलिडेटेड योर बैंक अकाउंट या ऐसा कुछ भी नहीं. क्या आता है हमको? वी गेट रिटन कम्युनिकेशन, राइट? इट कैन बी थ्रू मेल्स, इट कैन बी थ्रू द फिजिकल फॉर्म ऑफ नोटिसेस दैट आर डिस्पैच टू आवर एड्रेसेस, राइट? तो ऐसे ही आरओसी ने भी क्या किया, एक रिटन नोटिस दी. रिटन नोटिस किसको देंगे हम? ऑब्वियसली कंपनी को देंगे. इस रिटन नोटिस में एक टाइम पीरियड दिया होता है. इस टाइम के विद इन, और यू कैन से विद इन टाइम गिवन, कंपनी को क्या करना होता है? रिटन रिप्लाई देना होता है. That means, उनको भी ऐसे फोन करके ओरल इन्फॉर्मेशन नहीं देते. नहीं है कि आपने ये पूछा था, आप प्लीज नोट कर लीजिए. उनको भी क्या करनी है, सारे इन्फॉर्मेशन या जो भी आपने पूछा है, कोई डॉक्यूमेंट मांगा है, कोई वाउचर मांगा है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू हैव आस्क्ड, वो क्या करेंगे? आरओसी को रिटन फॉर्म में देंगे. तो इन्होंने क्या किया, आरओसी ने रिटन नोटिस भेजी कंपनी को. अब दिस इज द टाइम पीरियड. मान लीजिए आरओसी ने नोटिस भेजी कि आप से 10 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई कर दीजिए, 10 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई कर दीजिए. अब कंपनी क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ से 1% कंपनी. ठीक है, एक 1% कंपनी है. दैट मींस ओनली आई एम द वन हु इज मैनेजिंग एवरीथिंग. ठीक है, मेरा एक ही डायरेक्टर है कंपनी में, जो कि मैं खुद हूं, एंड आई एम ऑन अ वर्ल्ड टूर. अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? आई विल बी रिटर्निंग. आज ही मैं गई हूं और आज ही क्या हो गई, नोटिस आ गई मेरे पास. आज ही मैं गई हूं, आज ही मेरे पास नोटिस आ गई 10 दिन के लिए. 10 दिन के अंदर अंदर मुझे रिप्लाई करना है, 10 दिन के अंदर अंदर मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, एंड दैट इन्फॉर्मेशन हैज टू बी कंपाइल्ड और उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट करके फिर मुझे प्रोड्यूस करना है, विच आई विल नॉट बी एबल टू डू विद इन 10 डेज. अब क्या करें? अगर 10 डेज के अंदर अंदर मैंने नहीं दी इन्फॉर्मेशन, इट विल अमाउंट टू नॉन कंप्लायंस और डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस होंगे. तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? आई कैन आस्क फॉर एक्सटेंशन. मैं आरओसी के पास जाके उनसे बोल सकती हूं कि काइंडली एक्सटेंड माय टाइम पीरियड. ठीक है, तो दे कैन ग्रांट मी एक्सटेंशन. दैट मीन्स कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं इन द केस व्हेन द कंपनी वांट्स टू रिप्लाई. एक तो रिप्लाई विद इन टाइम और आस्क फॉर एक्सटेंशन एंड रिप्लाई विद इन. रिप्लाई तो करोगे ना, एक्सटेंडेड टाइम. मैम एक तीसरा ऑप्शन भी तो हो सकता है. व्हाट कैन बी द थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन ये है कि कंपनी ने रिप्लाई ही नहीं किया, नो रिप्लाई, विच विल लीड टू पेनाल्टी विच इज गिवन अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन ओनली. ठीक है, सो अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी. अब हम आगे बढ़ते हैं. दैट मीन्स द कंपनी हैज रिप्लाइड. कंपनी से जो भी इंफॉर्मेशन आपने मांगी, कंपनी ने क्या किया, वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोड्यूस कर दी विद इन द स्टिप्युलेटेड टाइम, दैट इज विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस और विद इन दैट एक्सटेंडेड टाइम. क्लियर है? अब इसके बाद क्या हो सकता है? रिप्लाई कर दिया ना, कौन रिप्लाई करेगा? कंपनी के पास नोटिस पहुंची है, राइट? अब देखो, इट इज नॉट, आपने देखो हर पेनाल्टी के सेक्शन में क्या पढ़ा है, द कंपनी शैल बी लायबल और ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल. ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट आखिर होते कौन है?
सेक्शन 2 क्लॉज 60 डिफाइन करता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी, और सेक्शन 2 क्लॉज 59 डिफाइन करता है ऑफिसर को. ऑफिसर का मतलब क्या होता है? द डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी एंड अदर पर्सन जिसके डायरेक्शंस पे चल रहा है, राइट? सो दैट मींस ऑफिसर की डेफिनेशन में इंप्लॉइज कवर्ड नहीं होते हैं. यू कैन नॉट मेक एन एम्प्लॉय लायबल. एक छोटा सा एम्प्लॉई आपने कहा मैंने तो इसको बोला था इसने नहीं किया, अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं होगी या पेनलाइज वो नहीं होगा, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है, पेनलाइज वो नहीं होगा. देयर कैन बी सिचुएशंस जब एम्प्लॉय की भी अकाउंटेबिलिटी होती है टू देयर सीनियर्स, राइट? उनको काम करना है मे बी इवन अंडर द कंपनीज एक्ट, बट फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, पेनाल्टी के सेक्शन में आपने जब ऑफिसर इन डिफॉल्ट पढ़ा है, दैट मीन्स ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ठीक है? सो बी वेरी केयरफुल. तो यहां पे भी अगर मैं बात करूं, अभी मैं सेक्शन जब एनालाइज करूंगी तो आई टेल यू एक्चुअली हु इज द पर्सन हु इज अकाउंटेबल, पर यहां पे भी क्या होता है, ऑफिसर कंसर्न्ड, ऑफिसर कंसर्न्ड इंक्लूडिंग पास्ट ऑफिसर. डू वन थिंग, इसको थोड़ा सा आप नीचे करिए, इसको थोड़ा सा आप नीचे करिए एंड उसी के नीचे आप लिख लो, ये उसी के नीचे आप क्या लिखोगे, ये पर्टिकुलर थिंग, दैट इज ऑफिसर कंसर्न्ड इंक्लूडिंग पास्ट ऑफिसर. क्लियर है? ठीक है. नाउ व्हेन दे हैव गिवन दिस रिप्लाई, रिप्लाई उन्होंने दे दिया, रिप्लाई कैन बी सैटिस्फैक्ट्री, रिप्लाई कैन बी सैटिस्फैक्ट्री, आपको मिला इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी, मिल गई, आप सैटिस्फाइड हो, यू डोंट थिंक कि कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है. रिप्लाई कैन बी इनएडिक्वेट, हमने आपसे जो मांगा था आपने हमको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आपने हमको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जिससे अभी भी हम सैटिस्फाई नहीं होते हैं. रिप्लाई कैन बी रॉन्ग, जब मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी आपने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी और मुझे समझ में आ रहा है कि दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव प्रोड्यूस, तो मेरा शक यकीन में बदल जाएगा कि अब तो पक्का कुछ ना कुछ इस कंपनी के अफेयर्स में गड़बड़ है. बिकॉज हैड इट बीन करेक्ट तो आप मुझे क्या करते, सही इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करते. बिकॉज आरओसी जो इन्फॉर्मेशन लेके बैठा है, अगर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दोगे जिससे ये मैच नहीं करती है तो आरओसी को पता चल जाएगा द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर प्रोड्यूसिंग इज इनकरेक्ट. इधर यू कैन जस्टिफाई इट, राइट? तो आप करो ना, इफ इट इज सैटिस्फैक्ट्री देन एब्सोल्युटली नो इश्यूज, बट इट कैन बी इनएडिक्वेट, इट कैन बी रॉन्ग, राइट? अब इन तीन केसेस में, इन तीन केसेस में, दैट मीन्स वेन यू हैव नॉट रिप्लाइड, वेन यू हैव फर्निश्ड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, और योर इन्फॉर्मेशन इज इनएडिक्वेट, और योर इन्फॉर्मेशन इज इनएडिक्वेट, इन केसेस में क्या करता है, आरओसी विल रिकॉर्ड रीजंस. क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, Why do I need to send them a written notice again? A written notice again. And that notice is of, listen to me very, very, very carefully, and that notice is of inspection. Inspection. अभी तक तो हम आपसे सिर्फ मांग रहे थे चीजें, इंस्पेक्शन तो अब हम करेंगे. इट वॉजेंट इंस्पेक्टिंग टिल नाउ, अब इंस्पेक्शन का ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है. नाउ वी वॉन्ट टू इंस्पेक्ट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अभी तक हम क्या कर रहे थे, मे बी आपने फर्निश किया, सपोजली आपने बोला कि ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, ठीक है, हमें लगा कि ये रेजोल्यूशन में कुछ झोलझाल लग रही है, बिकॉज ये रेजोल्यूशन जिस तरीके से ड्राफ्टेड है हमें लग रहा है मे बी उस पर साइंस वगैरह कुछ आपने गड़बड़ किए हैं, या हमें कुछ कुछ डाउट लग रहा है. तो हमने क्या किया, हमने आपसे मांगा कि आप इसके साथ की नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एवरीथिंग, ठीक है, इट हैज टू बी फर्निश्ड, बट हमने सब चीज आपसे मांगी, आपने सब चीज दे दी, हमने सब चीज कंपेयर की, वी फाउंड इट इन ऑर्डर. किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना, नो नीड ऑफ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन. बट जब हमें सस्पेशन हुआ तो हम क्या करेंगे,
अपने इनएडिक्वेट दे दी, रॉन्ग दे दी या दी ही नहीं, क्या कर सकता है आरओसी? क्या करेगा? इंस्पेक्शन को ऑर्डर देगा, बोलेगा कि आप हमको इंस्पेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे. बट इवन फॉर डूइंग इंस्पेक्शन व्हाट आरओसी हैज टू डू, हैज टू रिकॉर्ड रीजंस, ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है, अगर अगर उसके बाद आरओसी को लगा कि ये फ्रॉड कर रहे हो आप, ठीक है, फ्रॉड कर रहे हो या गलत चीजें हैं, तो उसके बाद वो क्या करता है, एक रिटन ऑर्डर फिर से देगा. अब कौन सा ऑर्डर देगा, ऑफ इंक्वायरी. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई राइटिंग, आई एम राइटिंग इट. हाँ ठीक है, बहुत मैनेज इट. सो अब क्या करेगा, वो एक रिटन ऑर्डर देगा इंक्वायरी का आफ्टर आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, एंड इज गोइंग टू सबमिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208. एंड इज गोइंग टू सबमिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208. ये क्या है, ओवरव्यू है इस पर्टिकुलर सेक्शन का. अभी मैंने आपको सेक्शन तो पढ़ाया ही नहीं है, तो सेक्शन जरा अब हम पढ़ते हैं. यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दी लैंग्वेज ऑफ एक्ट, राइट. तो बेयर एक्ट हमको पढ़ना बहुत जरूरी होता है ताकि हम चीजों को समझ पाए और चीजों को प्रेजेंट कर पाए, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर पेपर. तो ये समझने के लिए बहुत अच्छा है, अब हम लिखने वाला काम करते हैं, ठीक है. तो चलिए सेक्शन 206 का सब सेक्शन 1, विच गिव्स आरओसी द पावर. आरओसी के पास पावर मिल रही है, पावर किस चीज की, टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है. वेयर ऑन अ स्क्रूटनी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी और एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम, यहां पे हिम कौन है, आरओसी. द रजिस्ट्रार स्क्रूटनी पे, किसकी स्क्रूटनी पे, जो डॉक्यूमेंट्स एक कंपनी ने फाइल किए हैं, एक कंपनी फाइल्स, राइट. तो जो डॉक्यूमेंट्स एक कंपनी ने फाइल किए विद आरओसी, उसको स्क्रूटनी करने के बाद अगर आरओसी, इफ The registrar is of the opinion that any further information or explanation or any further documents relating to the company is necessary. तीन चीजें यहां पे उन्होंने बताई है इस एक्ट में. आप कोई उनसे फर्दर इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हो, ठीक है, कोई फर्दर इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हो. मान लीजिए से एनीथिंग, वी टॉक अबाउट एन एक्सपेंस. जैसे अगर हम बात करें इनकम टैक्स में, आपने कोई हेड क्रिएट कर दिया अदर एक्सपेंसेस, सो दे कैन आस्क यू व्हाट डज दिस अदर एक्सपेंसेस मींस. अदर एक्सपेंसेस की आप इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड अदर इंफॉर्मेशन. एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन कैन बी आपने से बैड डेट्स के नाम पे बुक कर दिया 6 लाख रुपए, तो आपसे इसका एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है कि व्हाई बैड डेट्स ऑफ 6 लाख रुपीज, राइट. दिस इज कॉल्ड एज explanation. And any further document, that means maybe you can ask to produce any voucher, maybe you can ask to produce any resolution, anything, ठीक है, कि इसकी आपके पास permission है या नहीं, if you have changed your name, आपके पास name approval, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. आप समझ रहे हो the difference between information, explanation and document. तो यहां पे ROC को अगर और information चाहिए, वो क्या क्या मांग सकती हैं या उनको लगता है, दे कैन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, दे कैन आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट, दे कैन आस्क फॉर एनी एक्सप्लेनेशन, ठीक है. रिलेटिंग टू द कंपनी, नॉट रिलेटिंग टू एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिलेटिंग टू द कंपनी, एक जनरल बात बोली गई है, ठीक है. ही मे By a written notice require the company. अब क्या कर सकते हैं, वो एक written notice भेज सकते हैं कंपनी को. Written notice,
That means आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या ओरल नोटिस अलाउड है, यू विल से नो इट इज नॉट अलाउड, ठीक है? या आपकी केस स्टडी हो सकती है कि रजिस्ट्रार ने एक ओरल नोटिस भेजी टू द कंपनी और कंपनी उसको नहीं केटर कर रही है, मतलब बोल रही है कि इट इज नॉट अ वैलिड नोटिस, तो आपसे पूछा जा रहा है, एडवाइस मांगी जा रही है, तो आप क्या बोलोगे? कंटेंशन ऑफ कंपनी इज करेक्ट, ये वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 206 सबसेक्शन 1, ठीक है? तो यहां पे रिटन नोटिस भेजनी है आरओसी को. रिटन नोटिस रिक्वायर द कंपनी टू फर्निश इन राइटिंग सच इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन. अब राइटिंग में ही उनको देना भी है, देयर हैज टू बी अ रिटन रिप्लाई. आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई, आप इंफॉर्मेशन देंगे, आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया, आप एक्सप्लेनेशन देंगे, आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया है तो यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ठीक है? एवरीथिंग हैज टू बी इन राइटिंग. कितने समय में? विद इन सच रीजनेबल टाइम एज स्पेसिफाइड इन द नोटिस. दोनों बातें उन्होंने लिख दी, मतलब एक्ट में कहीं टाइम पीरियड नहीं दिया है कि 30 डेज के अंदर 60 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना है, नहीं. जो नोटिस में टाइम पीरियड लिखा रहेगा ना, सपोजिटली नोटिस में लिखा है रिप्लाई ऑन और बिफोर 20th June 2020, अब आपको उससे पहले रिप्लाई करना है. बट दैट टाइम अगेन शुड बी अ रीजनेबल टाइम. ये रीजनेबल टाइम आपके लिए नहीं है, ये रीजनेबल टाइम किसके लिए है? आरओसी के लिए, कि भैया आप जो टाइम देंगे, जो आप नोटिस में स्पेसिफाई करेंगे उसके पहले ही रिप्लाई आएगा, बट द टाइम दैट यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई इन द नोटिस शुड बी अ रीजनेबल वन, शुड बी रीजनेबल. देखो रीजनेबल लिखा है, हर समय रीजनेबल सेम नहीं होता है, इट कैन डिफर इन डिफरेंट सिचुएशंस. कोई आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मांग ली तो आपको पता है कि इस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा समय लगेगा, तो आपने 4 महीने दे दिया. आपको पता है कि बस यही तो हमने पूछा है, इट कैन बी गिवन इन 3 डेज, तो आपने 3 दिन दे दिया. तो इट डिपेंड्स अपॉन जजमेंट ऑल्सो, ठीक है? बट इट हैज टू बी रीजनेबल कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है? अब उसके बाद क्या होगा? सबसेक्शन 2 में ड्यूटी बोली गई है, ठीक है? ऑन रिसीट ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1, जब कंपनी को नोटिस मिल गई, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स कंसर्न्ड, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स कंसर्न्ड टू फर्निश क्या? सच इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन. अब देखो क्या लिखा हुआ है. To the best of their knowledge and power, to the best of their knowledge and power. मुझे जितना पता है मैं उतना ही ना बताऊंगी, मुझे जितना पता है मैं उतना ही ना बताऊंगी, right? अगर मान लीजिए कोई let's come back to our crime scene, ठीक है? तो आपके क्या हुआ है, neighborhood में कोई खून हो गया. अब आपसे पूछा गया, आपसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं या आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, आप क्या बताओगे? जो आपको पता है. आप सच नहीं बता दोगे क्योंकि सच तो आपको भी नहीं पता है. आपको नहीं पता किसने खून करके, कौन खून करके गया है, राइट? तो सच आप नहीं बता सकते हो. यहां पे हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं, एक्ट क्लियरली लिख रहा है कि सच आप बता दो, ये हम नहीं चाहते हैं. सच हम जानना चाहते हैं पर हम आपसे उम्मीद नहीं करते कि आपको सब एग्जैक्टली सच सच पता होगा कि हाँ ये ऐसे है वो वैसे, हमने यहां ये फ्रॉड किया, हमने वो किया, ऐसे किया वैसे किया. नहीं, इट इज एट डिफरेंट लेवल्स. यू डोंट नो, मे बी फ्रॉड है ही नहीं, मे बी चीजें क्या हो गई, इधर उधर से कुछ मिसमैनेज हो गई है. तो आपको जितनी इंफॉर्मेशन पता है और जो आपके पावर के अंदर है, दैट मीन्स हर एम्प्लॉई, हर ऑफिसर, हर की मैनेजरियल पर्सनल का एक परव्यू होता है, एक दायरा होता है, उसकी कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है? इट कैन नॉट एक्सरसाइज पावर्स बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी. तो आपके जो भी हाथ में इंफॉर्मेशन है आप वही दे पाओगे ना. सो आपसे क्या बोला गया है, यू इट इज योर ड्यूटी, द कंपनी एंड द ऑफिसर्स कंसर्न्ड आर बाउंड to give information, explanation or produce documents to the ROC to the best of their knowledge. वो अपनी knowledge का क्या करेंगे, best produce करेंगे.
to the registrar within the time specified, within the time specified or extended by the registrar. Come to extension. It is their duty to either reply within the time or within extended time. इसका मतलब इनडायरेक्टली हमको क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी के पास ये अधिकार है कि इट कैन आस्क फॉर एक्सटेंशन, कि हम इतने कम समय में आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, काइंडली ग्रांट मी एक्सटेंशन. डायरेक्टली नहीं लिखा है कि पावर है, पर इनडायरेक्टली लिख दिया है, तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ पावर है. ठीक है, सो कंपनी क्या कर सकती है, या तो उस टाइम पीरियड के अंदर रिप्लाई कर दे या फिर एक्सटेंशन लेके उस टाइम पीरियड के अंदर रिप्लाई कर दे, पर रिप्लाई तो करना ही है, सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग उनकी ड्यूटी बनती है. अब देखो सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है. इफ नो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन द टाइम स्पेसिफाइड और इफ नो इंफॉर्मेशन is furnished within the time specified or the registrar on an examination of the documents, unko documents mil gaye. Pehli situation ye hui ki unko documents mile hi nahi, dusri situation ye hui ki unko documents to mil gaye aur usko unhone examine bhi kiya, par examine karne ke baad is of the opinion that the information or explanation furnished is inadequate, or if the registrar is satisfied in a scrutiny of the documents furnished that an unsatisfactory state of affairs is exist in the company and does not disclose a full and fair statement of the information required, he may. That means in both these cases aapne galat information de di, aapne inadequate information de di, or registrar ko kya lagta hai, रजिस्ट्रार को ये अनसैटिस्फैक्ट्री लगता है, अनसैटिस्फैक्ट्री लगता है, उनको लगता है कि अफेयर्स में कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, ही मे बाय अनदर रिटन नोटिस, ही मे बाय अनदर रिटन नोटिस. ये रिटन नोटिस किसको देंगे, मैनेज अकॉर्डिंगली. ओके, ठीक है, ही विल सेंड दिस रिटन नोटिस टू कंपनी. ऑफकोर्स कंपनी को वो क्या बोलेंगे, कंपनी को वो बोलेंगे टू प्रोड्यूस. पहले उन्होंने एक डॉक्यूमेंट से आपसे कोई इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मांगा, ही वॉज नॉट सैटिस्फाइड. अब उन्होंने आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगे, पेपर्स मांगे, एक्सप्लेनेशन मांगे, कि नाउ वी आर गोइंग टू इंस्पेक्ट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू इंस्पेक्ट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो यहां पे कंपनी को रिटन नोटिस दी और उनको बोला कि प्रोड्यूस करिए आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, जो भी एज एज रिक्वायर्ड, एज ही मे रिक्वायर, एट सच प्लेस एंड सच टाइम as he may specify in the notice, at such place and such time as he may specify in the notice. Again, कोई भी time period या कोई place fix नहीं की गई है कि आपको registrar office में produce करना है, anything, such place and such time as may be specified. ठीक है, अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो ये record reasons बोला था, तो इसके provision में लिखा हुआ है, इसके provision में क्या लिखा हुआ है, मुझे अभी आपको ये भी बताना है. ठीक है, ये मैंने आपको अभी नहीं बताया. इसके प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट बिफोर एनी नोटिस इज सर्व्ड अंडर दिस सबसेक्शन द रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस इन राइटिंग बिफोर इशूइंग सच नोटिस. ठीक है, बिकॉज इसका ये क्यों होता है, क्योंकि इसका अनड्यू एडवांटेज आप नहीं उठा सकते हो. आपको किसी से दुश्मनी या पारोसी ऑफिस में हो तो आप क्या करोगे, चलो यार इसको नोटिस देते हैं, इसकी बुक्स मंगाते हैं, इसको थोड़ा सा परेशान करते. नहीं, इट हैज टू बी जस्टिफाइड, राइट. होता था, ऐसा भी काम हुआ करता था, आज के टाइम में बहुत कम है. तो क्या है, आपको रीजन खुद भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, मतलब आप गलत नहीं कर सकते हो सामने वाले के साथ. ठीक है,
कंपनी के साथ भी आप गलत नहीं कर सकते. वी आर होल्डिंग, हाँ, विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो आप पावर का मिसयूज नहीं कर सकते हो. तो यू हैव टू रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग बिफोर यू आर इशूइंग सच नोटिस. अब एक पॉइंट और जो बीच में रह गया है, पास्ट ऑफिसर का. पास्ट ऑफिसर का मतलब क्या है? मैंने किसी कंपनी में क्या किया, काम किया, ठीक है. आई वॉज से वन ऑफ द की मैनेजेरियल पर्सनल, ठीक है. मतलब मैं कंपनी की सीएफओ थी. उसके बाद मैंने वो कंपनी छोड़ दी, मैं दूसरी कंपनी में चली गई. अब जो फाइल किया था, से मैंने कोई एनुअल रिटर्न, जब मैं उस कंपनी में थी, उस कंपनी का एनुअल रिटर्न फाइल हुआ होगा. एनुअल रिटर्न को जब स्क्रूटिनाइज किया आरओसी ने, तो उनको उसमें क्या लगी, कुछ गड़बड़ लगी, ठीक है. या उनको लगा कि नहीं, इसके लिए मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई फील दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट सफिशियंट. तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सप्लेनेशन मांगा. जब कंपनी ने एक्सप्लेनेशन मांगा किया, ठीक है, तो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड. किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सारा काम किसने किया था, मैंने किया था. नोबडी न्यू एनीथिंग. आई वाज द वन हु वाज अकाउंटेबल, आई वाज द वन हु वाज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है. तो आरओसी को भी ये बात समझ में आई, आरओसी ने मुझे भी रिटर्न नोटिस भेजी. एम आई बाउंड टू रिप्लाई और नॉट, शुड आई रिप्लाई और नॉट, क्या मेरे ऊपर नहीं रिप्लाई करने का कोई कंसिक्वेंस लग सकता है या पेनाल्टी लग सकती है इफ आई डोंट रिप्लाई? यस, दैट इज व्हाट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 10 इंक्लूड्स, कि वेयर सच इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन रिलेट्स टू एनी पास्ट पीरियड, अगर पिछले टाइम की पीरियड की इंफॉर्मेशन है, और जो ऑफिसर्स उस समय एम्प्लॉयमेंट में थे, अगर उनको रजिस्ट्रार एक नोटिस सर्व करे, तो दे विल ऑल्सो फर्निश इन्फॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट पास्ट ऑफिसर. अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा सबसेक्शन 4 पे जाते हैं. सबसेक्शन 4 देखो क्या बोलता है. If the registrar is satisfied, ये उन्होंने किया and he is going to carry out inspection, ठीक है. अब inspection क्या, कैसे, investigation क्या, कैसे, अभी सब आप धीरे धीरे पढ़ोगे. If the registrar is satisfied on the basis of information available, जो information उनके पास available है, उनके पास कौन सी information available है, ये वाली, और फर्निश्ड टू हिम, आपने जो इंफॉर्मेशन उनको फर्निश की है, और ऑन अ रिप्रेजेंटेशन मेड टू हिम बाय एनी पर्सन, दैट मीन्स देयर कैन बी सम अदर पर्सन ऑल्सो जिसने कंप्लेन की हो कंपनी की, हो सकता है कि नहीं हो सकता, अभी हम आगे पढ़ेंगे. भी ट्रिब्यूनल के पास भी कंप्लेन्स जाती हैं. यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट अ कंपनी दैट दिस कंपनी इज कैरिंग ऑन बिजनेस इन फ्रॉडुलेंट मैनर, ठीक है. देयर कैन बी कंप्लेन्स मेड, ठीक है. सो इट कैन बी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली कंपनी से, या फिर किसी ने आपको रिप्रेजेंटेशन जो दी थी उससे, आप सैटिस्फाइड हो, आप मतलब आरओसी, अगर उससे आरओसी सैटिस्फाइड है कि दिस पर्टिकुलर कंपनी इज कैरिंग ऑन और इज बीइंग कैरीड और अ फ्रॉडुलेंट मैनर, और देर कैन बी अनलॉफुल पर्पस, कि कंपनी ऑन पेपर तो दिखाती है हमारा ये बिजनेस है, पर एक्चुअली वो ये बिजनेस नहीं रन कर रहे हैं, दे आर समथिंग इनटू किडनैपिंग एंड एवरी समथिंग लाइक दैट, या कुछ स्मगलिंग कर रहे हैं, ठीक है. या जैसे कई एरियाज में होता है कि लीकर अलाउड नहीं है. गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, राइट? बट आप क्या कर रहे हो, इंटरनली लीकर का बिजनेस कर रहे हो, मतलब ऑन पेपर कुछ और है, एक्चुअली आप कुछ और कर रहे हो. तो हमको आरओसी वाज सैटिस्फाइड ऑन एग्जामिनेशन कि हाँ, दिस इज बीइंग कैरीड ऑन अनलॉफुल मैनर, ठीक है. या फिर नॉट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, और इफ द ग्रीवियंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स आर नॉट एड्रेस्ड. सो यहां पे कौन कौन सी कंडीशन आई, फ्रॉड, अनलॉफुल इन्वेस्टर्स grievances not addressed. Can I erase it? थोड़ा सा मैं यहां पे erase कर सकती हूं,
या मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखने की कोशिश करती हूं। यहां पे मैं लिख रही हूं, ये अगर वैसे भी सैटिस्फैक्ट्री है तो अच्छी बात है, ठीक है। और फ्रॉड, अनलॉफुल इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस नॉट एड्रेस्ड या फिर नॉट इन कंप्लायंस विद एक्ट। तो अगर ये चार चीजें आप, मेरे पास बोर्ड इतना ही बड़ा है, आप कोशिश कीजिएगा कि आप छोटा छोटा करके, या अभी अगर आप बना रहे हो तो प्लीज रीप्रिपेयर दिस चार्ट एंड इसको एक अच्छा सा बड़ा सा चार्ट बनाइएगा विद प्रॉपर स्पेसिंग, सो दैट आप जब रिविजन करो तो आपको हेल्प मिले। ये चार कंडीशंस में, इन चार कंडीशंस में क्या कर सकती है आरओसी? The registrar may, after informing the company of the allegations made against it by a written order, call the company to furnish in writing any information or explanation on matters specified in the order within such time as he may specify therein, and carry out such inquiry as he deems fit after providing company a reasonable opportunity of being heard. समझ में आया? क्या कर रहे हैं हम? पहले तो हमने इंफॉर्मेशन मांगी, उसके बाद हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो हमने इंस्पेक्शन किया, और उसके बाद क्या होता है, हमें लगता है कि कंपनी या तो फ्रॉड कर रही है या अनलॉफुल मींस कर रही है, कंपनीज एक्ट को कंप्लाई नहीं कर रही है, या फिर इन्वेस्टर के ग्रीवियंसेस को एड्रेस नहीं कर रही है। तो इन चार सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, कंपनी को बताएंगे कि देखो आपके अगेंस्ट ना इतने सारे एलिगेशंस हैं, हमको यहां से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, यहां से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगे हैं, आप बताइए क्या है कोई जवाब आपके पास? कंपनी ने जवाब दिया, कंपनी ने जवाब दिया, हम सेटिस्फाई हो गए, नो प्रॉब्लम। कंपनी ने जवाब दिया, हम सेटिस्फाई नहीं हुए, वी गेव द कंपनी अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वी वर नॉट सेटिस्फाइड थ्रू अ रिटन ऑर्डर, हमने बोला ये इंफॉर्मेशन और दो, अब तो इंक्वायरी बैठेगी, अब तो हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी बैठाएंगे। कितने टाइम पीरियड के अंदर ये इंफॉर्मेशन दो, जो उसमें लिखा है। सो इस पूरे सेक्शन में आपको कहीं पे भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, विद इन सच रीजनेबल टाइम, विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, विद इन द एट द प्लेस स्पेसिफाइड, ठीक है। सो इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, क्लियर है इतना? प्रोवाइडेड, अब देखो अब छोटी छोटी से पॉइंट्स बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ताकि हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो सके। प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टांसेस सो वॉरेंट, direct the registrar or an inspector appointed by it for the purpose to carry out inquiry under this subsection. अब इसका मतलब क्या है? नहीं, it is somewhere out of the league. हमने अभी तक किसके power पढ़े? ROC के power पढ़े. ROC can has the power to inquire. ROC has the power to inspect. है ना? अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सैटिस्फाई होती है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तो सीजी भी रजिस्ट्रार को बोल सकती है या फिर एक इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है टू कैरी आउट इंक्वायरी फॉर दिस पर्टिकुलर सब सेक्शन। तो सीजी और CG through ROC / inspector appointed by it, through inspector appointed by it can what? Can direct ROC to carry out inquiry under this particular section. तो इंस्पेक्शन कौन कर रहा है? आरओसी कर रहा है। इंक्वायरी कौन कर रहा है? इंक्वायरी ऑर्डर कर रहा है
आरओसी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैरी आउट कौन करेगा? इंस्पेक्टर कैरी आउट करेगा. जैसे सो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इंक्वायरी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो इंक्वायरी कर सकती है और आरओसी चाहे तो भी इंक्वायरी कर सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट इधर आरओसी या फिर वो एक इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं फॉर कैरिंग आउट इंक्वायरी. आगे बढ़ते हैं. अगर अगर ऐसा होता है, देखो अगर फ्रॉड का केस होता है तो आप सबको पता है कि फ्रॉड के लिए सेक्शन 447 इन्वोक हो जाता है, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन डिटेल, राइट? सेक्शन 447. तो जब भी फ्रॉड का केस होगा तो जो भी यहाँ पे ऑफिसर है, जो भी कंपनी है, अगर मतलब ऑफिसर है हु इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, तो उसके ऊपर क्या होगा, सेक्शन 447 लग जाएगा. नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ it is satisfied that the circumstances so warrant direct inspection of books and papers of any of a company by an inspector appointed by it for the purpose. अब अगेन यहां पे हमने क्या कर दिया, सीजी के पास पावर है इंक्वायरी की भी और सीजी के पास पावर है इंस्पेक्शन की भी. अगर उनको सर्कमस्टांसिस के लिए लगता है तो वो दोनों का डायरेक्शन दे सकते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. तो मतलब सेक्शन 206 में हमने देखा आरओसी के पास क्या पावर है, साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ये पावर्स हैं, ठीक है. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मे हैव इन रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन. अब एक ये स्पेशल बात हमने कही कि इंस्पेक्शन वो चाहे तो किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से भी करा सकते हैं ना. व्हाट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी? सीबीआई ले लो. हमने बोला कि नहीं आरओसी ये मैटर इतना टेक्निकल है या हमें लग रहा है कि कंसीडरिंग द सर्कमस्टांसेस फैक्ट्स, मतलब यहां पे ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत ज्यादा कनिंग लोग इन्वॉल्व हैं, तो हमें लगता है कि दिस विल बी डिफिकल्ट टू ट्रेस, ठीक है. या तो हमने क्या किया, हमने कहा ये स्पेशल केस, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर, क्योंकि एक्ट में सबको पावर देनी होती है ना, नहीं तो वो लोग केस कर देंगे कि नहीं उनके पास पावर ही नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं ये काम, तो आरओसी का है, आरओसी करेगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को बोलेंगे कि आप इंस्पेक्शन कैरी आउट करो. और लास्टली सबसेक्शन 7 जो कि पेनाल्टी की बात करता है, हर ऑफिसर जो कि डिफॉल्ट में है उसके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है 1 लाख तक की, द कंपनी एज वेल एज एवरी ऑफिसर 1 लाख, और कंटिन्यूइंग फेलियर के केस में एडिशनल फाइन 500 रुपीज पर डे, जब तक डिफॉल्ट हमारा या फेलियर हमारा कंटिन्यूड रहता है. सो आई होप सेक्शन 206 इज क्लियर. चलिए अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम इसके आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सेक्शन स्टार्ट करते हैं.